अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑटोकैड में किसी इमेज या पिक्चर को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम ये ऑटोकैड का 2009 वर्जन है जिसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर आके आपने यहां पर आना है इस पॉइंट पे और यहां पर आके आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहां पे आना है इंसर्ट पे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें जब हम कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मेट मस्ट है, जो हमें उसका फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट हमें चाहिए बीएमपी फॉर्मेट चाहिए। जो भी हमने पिक्चर इसमें इंपोर्ट करनी है उसका फॉर्मेट जो है ना वो बीएमपी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी तस्वीर का जो फॉर्मेट है वो चेंज करेंगे। अगर वो बीएमपी नहीं है, जेपीजी है या कोई और फॉर्मेट है, तो उसको पहले हम बीएमपी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने यहां पे आना है, स्टार्ट में आके हम यहां ऑल प्रोग्राम और यहां पे हम एक्सेसरीज पेंट को हमने ओपन करना है। यहां पर आके आपने ओपन और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा फोल्डर है ये है जी ऑटो कैड का, कहाँ गया यार, यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक इमेज पड़ा है जो कि जेपीजी है, ठीक है। ये एक जेपीजी इमेज है, इसको हम ओपन कर लेते हैं पेंट में, ठीक है। तो अब यहां पे इसको ओपन करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं। सेव एज में जाके यहां पे है बीएमपी पिक्चर, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं डेस्कटॉप और यहां पे उसी फोल्डर में दोबारा नए नाम के साथ हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम फर्ज करें यहां ये कर देते हैं, ठीक है जी, और इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। यहां पे आके हमने इस पर क्लिक करना है, यहां पे इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आके यहां पे है ओएलई ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। यहां पे आके आपने करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहां से आपने इसको ब्राउज कर लेना है। अब उसी फोल्डर में हम जाते हैं जहां पे मैंने उसको सेव किया था, ऑटोकैड ये आ गया ओपन। और यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमने सेव की थी ये बिट मैप ये इमेज है, ठीक है, ये बिट मैप है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन और यहां से ओके। तो ये देखें ये जो इमेज है या पिक्चर है अब ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। इसको सिलेक्ट करके आप इसको मूव भी करवा सकते हैं,